आखिरी दिन ऑफ अवर इंडोनेशिया ट्रिप। 8:30 बजे फ्लाइट है, फ्लाइट डिले हो गई लकीली, तो अभी हम लोग के पास घूमने के लिए थोड़ा मौका है। मेरे को स्ट्रीट्स पे निकलना है, थोड़ा देखना है भाई आजू बाजू में क्या है, मेरे को थोड़ा ब्रेकफास्ट भी देखना है क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठा हूँ। अंकिता भाई कुछ मैसेज नहीं कर रही, मुझे कॉल करके उनको उठाना नहीं है, तो अभी अपन निकलते हैं अकेले और देखते हैं कि आजू बाजू में क्या है। मैंने अपना वो ग्रीन वाला चश्मा गवा दिया, वो ट्रॉफी के साथ जब फोटो निकाल रहे थे ना, तब मैंने फटफट हड़बड़ी में कहाँ पे निकाल के रखा मुझे पता नहीं, लेकिन 300 रुपए का ही था। कोला बस है ना, तो वापिस ले लेंगे। जहाँ पे चल रहा हूँ ना भाई, बहुत तगड़ा एरिया लग रहा है क्या, देखो ना कितना बड़ा रोड है, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, मार्क सब जितना ऊपर देखो उतना कम, और पुलिस भी खड़े है और पुलिस सबको धर रहे, बहुत डेंजर सीन चल रहा है। देखो इतने बड़े बड़े बिल्डिंग है, इच्छा और पुलिस देख लिया ना फट गई मेरी। मेरे को नासी गोरैंग ट्राई करने गए और मेरे को होटल का नहीं ट्राई करना था, लोकल ट्राई करना था। इधर पीछे देख रहे हो एक टपरी जैसी दिख रही है, मेरे को उधर जाके देखना है कि क्या क्या है। इंग्लिश नो इंग्लिश विषय हो गया भाई, इधर किसी को इंग्लिश आ रहा ही नहीं है। यार पूछा इधर इसको क्या बोलते, तो इनको पता ही नहीं इधर, मतलब वो बता ही नहीं पा रहे कि इसको क्या बोलते। अभी कुछ भी उठ के सूट खा नहीं सकते अपन, पता चला भाई चिकन नहीं है तो उनको तो समझ रहे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो आगे जाते, वो एरिया में ना मॉल है इधर ही, एक बहुत बड़े बड़े मॉल है, उनको उनको पूछते कि भाई तुमको पता है क्या क्या है। उनको जब पूछते ना तो वो इंग्लिश में जवाब दे पाते थोड़ा, तो या तो उनके आजू बाजू के दे पाते। साहब अभी लग रहा ना बाहर गांव में आए लो, मैं घुमा ही नहीं भाई इतना मालूम। हम लोग रात में घूमते थे ना तो इतना बड़े बड़े बिल्डिंग दिखते ही नहीं थे, क्या डेंजर लग रहा ना भाई। एक मॉल है इसको दो प्लाजा की कुछ तो बोलते हैं क्या, कितना बड़ा मॉल है देख रहे हो तुम लोग। तो इधर है ना एकदम डेंजर ब्रांड्स के कपड़े मिलते हैं, मतलब लुई वुइटन वगैरह ना, वो डेंजर डायरेक्ट है क्या, मतलब ग्रेट इंडोनेशियन मॉल में थोड़ा नॉर्मल मिलता है और उसका ही है द प्लाजा है जिसमें लुई वुइटन ऊंची ऊंची वो सब मिलता है। ओनित्सुका टाइगर का शोरूम इधर है भाई, देखो सिग्नल खुला भाई, सब राइडर है इधर, सिग्नल खुला तो राप 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 जाते। इधर ओनित्सुका टाइगर का शोरूम है और मेरे भाई को है ना ओनित्सुका टाइगर लेने का है भाई। ये ना बहुत ज़्यादा कॉरपोरेट एरिया लग रहा है क्या, इधर मेरे को नहीं लगता भाई किसी मतलब स्ट्रीट फूड वीट फूड रहेगा। वो मॉल में तो जाना है अपने को पीछे वाले, लेकिन पहले ना मेरे को कुछ खाने का है भाई, तो मेरे को तो लगता है ना अपने को कोई लोकल को पकड़ के पूछना पड़ेगा भाई कि मिलेगा किधर अपना वो नासी गोरैंग। एक्सक्यूज मी आई एम न्यू हियर, कैन यू टेल मी वेयर आई कैन फाइंड नासी गोरैंग? राइट साइड, ओके थैंक यू। वाह देख रहे हो कितने हेल्पिंग लोग है भाई, बहुत प्यारे लोग है इधर। वो मेरे को इग्नोर करके गई नहीं भाई, उसके क्या तो कान में ईयरफोन था। मैं कोई तो चौक में आया हुए बड़े से, आई शपथ बड़े बड़े बिल्डिंग नुस्ते बिल्डिंग, आई अच्छा गावत इधर नुस्ते बिल बोर्ड, ये डिजिटल बिल बोर्ड थे इनके। बहुत डेंजर एरिया में रहते भाई हम लोग, मतलब होटल हमारा बहुत डेंजर एरिया में, देखो ओढ़ी जा रही भाई की खतरनाक विषय। नासी गोरैंग ना बेसिकली एक ऐसा राइस का टाइप होता है, कुछ सूप वूप रहता है उसमें, तो मेरे को ट्राई करना है। अपने चैट में भी पब्लिक बोल रही थी। अभी अपन रैंडम लोगों को पूछते भी है ना, तो उनको है ना तूट तोड़ के पूछना पड़ता है, मतलब इंग्लिश उनको भी अच्छे से आता नहीं है ना। मेरे को अभी ऑपोजिट में ना लेन में दिख रहा है कि कुछ स्ट्रीट फूड जैसा है अभी, लेकिन मेरे को है ना इधर ये अंकल को पूछता हूँ मैं पहले कि भाई उधर मिलता है क्या। सर नासी गोरैंग देखा खतरनाक ना भाई साहब, चलते चलते खाऊ गली में पहुंच गया ना मैं डेंजर वाली। इधर होगा ब्रेकफास्ट लाला, खतरनाक खतरनाक बराबर जगह पे आया हूँ बराबर। भाई कितना बड़ा लेने देख रहे हो तुम लोग, इधर क्या क्या रहेगा अबे, ये क्या बेच रहा है, पॉकेट सेटिया पॉकेट ऑक्टोपस, ऑक्टोपस विक्टोपस है भाई इधर। हे दिस चिकन व्हाट सम कैन ऑफ विद डॉग बट नॉट विद बीफ। ओह दिस इज चिकन राइट? नो नॉट चिकन, इट्स बीफ, इट्स नॉट बीफ टू बट ओनली विद द फ्लेवर। ओके ओह सो इट इज वेज, यस
ओह वेज, ओके ओके, ये वेज है बोलते भाई लोग, लेकिन किसका बनाया आपने को पता नहीं, तो थोड़ा सा डाउट आ रहा है खाने से पहले। भाई पूरा मेरे गली में वाला सीन है ना, ये क्या गलिया है भाई, कितनी डेंजर डेंजर गली है भाई, गली में पहुंच गया ना मैं, क्या हार्ड लग रहा ना भाई, अभी लग रहा है किधर तो घूम रहे ले, क्या बोलते यहाँ पे लगता है मेरे को मिल सकता है अपने को वो, और यहाँ पे भी अलग अलग चीज़ें रखे लिए, ये देखते क्या है ना, ये कुछ तो बनाने शायद कस्टम, ये देखो ये मच्छी है, यहाँ पे चिकन विकन है, ये पता नहीं क्या है भाई, बहुत सारी चीज़ें है भाई, ये अंदर साइड में ना कुछ तो मेजर चीज़ें लगता है, क्या देखते इधर, मतलब अपने जैसा क्या था कूपन वगैरह लेना रहता है वैसा ही सीन है शायद, इनको अभी पूछ ले अपन अवेलेबल है क्या इनके पास, अगर रहेगा तो अच्छा है। वो दीदी बोली कि इधर चूज करना पड़ेगा अपने को, लेकिन यार वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आइटम है वे, तो मेरे को समझा नहीं है क्या लूँ, तो कोई अंकल को पूछते मसीर गोरेंग ये नो वेर बासो, व्हाट दिस बासो, ओ ये बासो होता है, व्हाट इज दिस बासो मरचोन, चिकन चापी चापी, अभी चापी मतलब क्या पता नहीं अपने को, देखते भाई, लेकिन दिख रहा है घास फूस दिख रहा है, चलो आगे जाते। नसीर गोरेंग, नसीर गोरेंग, ओ चिकन, ओ यस गोरेंग चिकन, हाँ वेट वेट आई चेक, अरे इधर हार्ट वगैरह दे रही है ये आंटी के पास, मेरे को नहीं चाहिए ये इंटेस्टाइन, हार्ट, कैटफिश का राइस, ये सब दे रहे भाई इधर, ये सब नहीं अभी खाने का है मेरे को, लेकिन देखने में मज़ा आ रहा है क्या, जो भी है इधर सब मच्छी विच्छी भाई, अपने इधर भी ये सब मिलता है, ये एक जगह है इधर रोटी बकर करके जो है ना भाई लोग, वो काफ़ी फेमस है, मेरे को अभी वो ट्राई करने का मन कर रहा है, क्योंकि वो भी ब्रेकफास्ट आइटम काफ़ी फेमस है, एक बार वो ट्राई करता हूँ, क्या बोलते हैं, हाउ मच रोटी बकर, हाउ मच मनी, नो इंग्लिश, ओके वेट वेट, ओके ओके, 13,000 ओके थैंक यू, विद चॉकलेट, ब्लूबेरी विद चॉकलेट, विद चॉकलेट, भाई देखो इतने छोटे से दुकान में भी ग्लव्स व्यूज पहन के बना रहे ले, आ गया इज्जत से एकदम, भाई ने चॉकलेट डाला है ऊपर, ब्रेड डाला है और अभी वो तलने के लिए रखेला है, अपनी डिश रेडी हो चुकी है, उसके ऊपर भी उसने शायद बटर वीटर डाला, बहुत सारी चीजें डाले भाई, अपने यहाँ के 70 रुपये में मिले लाइए, तो मतलब थोड़ा तो अपने के आप अपने रास्ते पे ना 30-40 में मिलता है ना पब्लिक में चीज़ें ऐसी अलग अलग, जैसे अपना सैंडविच वगैरह, लेकिन ये चॉकलेट विकलेट का आइटम है, थोड़ा डेंजर है, टेस्ट करके देखते हैं, अच्छा है भाई, नाइस गुड, थैंक यू, ये इतना कुछ डेंजर टेस्ट नहीं है, लेकिन अच्छा है भाई, चॉकलेट का टेस्ट आ रहा है, बटर का टेस्ट आ रहा है, ब्रेड का, मतलब समझ लो ना कैसा बनाया, ये इधर का फेमस है, ये लोग बहुत खाते हैं ब्रेकफास्ट पे, अपने आगे से खाते खाते भाई पसीने छूट जाते, वैसा ही छूला है मेरे को, पसीना छूट गया है, हेलो इंडिया, हेलो हेलो, ओके, उसमें ना बटर बीटर डाले थे ना, इसके वजह से वो थोड़ा है ना हैवी सा लग रहा था भाई, पेट ऐसा है ना फट गया है अभी, ऐसा लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा खा लिया अभी, इतनी सारी चीज़ें हैं ना आजू बाजू में, लेकिन कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि पता नहीं अपने को कि वो एक्चुअली में है क्या, मैं जो देख के आया हूँ ना वो इधर अभी है नहीं, ये क्या है समोसा जैसा दिख रहा है, व्हाट दिस, दिस चिकन विद फिश, ओके, नो इट, सिट वेयर, ओके, कैन आई गेट
small plate, like two, just to taste. How much money? 50,000. Okay. Okay. For two? 5,000. Oh, okay, okay. Chili. Aha, chili. 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 Berapa gede kalau chili? Kecap. Okay, kecap. Okay, kecap. Nah, mana kecap? Dia pakai saus tu. What? Saus chili. Chili. Okay, okay. Sab dal do, bhai saab. Sab dal do, uncle. Thank you. Yeah, okay. Yeah. Silakan lepok di dalam. Hey, terima kasih. Yeah, sami sami. Yes, this year. Yes. Where are you from? India. India. Oh. Yeah. You guys see India? My brother like Indian. Oh. Indian music. Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Yeah. अभी अपन टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लगता है. इसमें चिली विली डाले ले अंकल ने मजबूत. ये चिकन है शायद और टोफू है. अभी मिक्स हो गया भाई. नहीं नहीं ये चिकन है मेरे को समझा. हाँ ये चिकन है. थोड़ा डिप करते हैं अपन ऐसा. चिकन सालमन का मिक्सचर है. Very good. Peanut. Oh, okay. The sauce is so good. भाई मस्त लग रहा है. सॉस के वजह से जो टेस्ट आ रहा है ना उसका खतरनाक भाई. बहुत भारी लग रहा है. ऐसा थोड़ा फिश जैसा टेस्ट आता है. वो मेरे को इतना पसंद नहीं है. लेकिन वो थोड़ा ना आफ्टर टेस्ट में आता है. तो वो थोड़ा सा मेरे को ऑफ कर देता है क्योंकि थोड़ा ना कड़वा होता है. मतलब तुम लोगों को पता है ना फिश कैसा लगता है वैसा. तो चिकन प्लस फिश है. देयर वाज अ टूर्नामेंट. वेलकम टूर्नामेंट. हां दैट्स व्हाई आई वाज हियर. I'm YouTuber. YouTuber. Yeah. I make YouTube video over there. Okay. You check. Oh, thank you. See that stream, that live stream? Yes. From Indonesia. Oh. Ah. Correct. Yeah. Sir. Okay. Terima kasih. Sama-sama. Thank you. Yare loge bhai, dekh lo. Kitna pyar mohabbat se baat kar rahe. Kha bhi liya maine. Ek number laga wo bhai. Kya sauce tha danger yaar. वो अपना जो खाने आए थे वो रह गया. बाकी सब खा लिया भाई थोड़ा थोड़ा कर गया. मेरे को समोसा सोच के मैंने ट्राई किया लेकिन उसके अंदर था चिकन. लेकिन फट्टे लगा वो कुछ भी हो. देखो फुल बिजी स्ट्रीट है यार. फुल बिजी. उसका कुछ ना कुछ तो खाने की विषय ही चाहिए इधर. फुल बिजी विषय. वो यहाँ पे शायद ये मिलता है भाई लोग. बबल टी मिलता है शायद. शायद वही है. देखो इधर वो बना रहे भी है. बबल टी. बबल टी कॉफी एज़ वेल. यहाँ पे लोग बबल टी दे रहे हैं. मैंने गुआवा वाला ट्राई करने का सोचा हूँ. देखते ना कैसा लगता है. एक्चुअली उधर इतने अवेलेबल नहीं है. तो मैं गुआवा वाला बोला. वो एक दीदी थी उनको इंग्लिश आता था तो उन्होंने उनके भाषा में इनको बताया. बस तेरे सब हेल्पी है. ओके बॉयज लीची वाला बबल टी लिए लाया अपन ने. देखते कैसा लगता है. वाह प्यारा है. वो बबल भी काफ़ी क्रेजी है भाई. ऐसा चिपकू चिपकू सा फ्लेवर दे रहा है मुंह में वो. लेकिन फट्टे लग रहा है. इधर देखो अंकल ने बड़े बड़े रखे ले. पोटैटो वड़े मतलब अपना बटाटा वड़ा जैसा रहता है ना वैसा कुछ तो रखे ले. लेकिन इसमें भी चिकन रहेगा. हर जगह में चिकन रहता है. इधर शरबत जैसा देखो सब कुछ रखे ला है. ये गुआवा है शायद. और चॉकलेट विकलेट सब रखे भाई. अपन ने ले लिए मजबूत. 6,000 रुपये का पड़ा मेरे को ये. अब वो कितना होता है वो गिन के बताओ तुम लोग भाई. लेकिन मेरे को है ना वो समोसा जो लिया ना मैंने दो उसमें मेरे को लगता है मेरे को लूटा उसने. मेरा 3,000 या 5,000 कुछ तो लिया. शायद 5 लिया. पहले वो 50 बोल रहा था मेरे को. तो मैं बोला भाई 2 का 50 कैसे है. उधर तो मैं ब्रेड खाया 50 में और 50,000 मतलब 70 रुपये अपने. तो थोड़ा लूटने का ट्राई किया शायद मेरे को. ये पड़ा अपने को 6,000 रुपये का मतलब 30 रुपये
₹30 में इतना भर के दिए ले, एक नंबर लग रहा है। अभी जाते हैं अपन प्लाजा वाले मॉल में, यही मॉल है वो। इधर अपने को उठाने के है जूते। ये बहुत बड़े लोगों का मॉल लग रहा है क्या भाई लोग? इधर डायरेक्ट एंट्री मारते साथ प्योर आ गया, मतलब एकदम ही डेंजर ब्रांड्स है ना सारे इधर आजू बाजू में। चलते बलते ही ब्रांड है, नाम नहीं सुना ये बाकी का। यहाँ पे बस अपने को जाना है सेकंड फ्लोर पे 1900 का टाइगर लेने के लिए। बहुत सोफिस्टिकेटेड मॉल है, देख रहे हो तुम लोग? मतलब क्योंकि ना ये वाले मॉल में छोटे ब्रांड्स है ही नहीं भाई, सब आर पार वाले स्टोर्स है यहाँ पे ब्रांड्स है। अभी अपन 1900 का टाइगर में जा रहे हैं, देखते कौन सा पसंद आ रहा है अपने को और भाई के लिए उठाते। मुझे ना चैट में भी काफी जन बोल रहे थे कि भाई शूज वूज है ना यहाँ पे स्नीकर्स सस्ते मिलेंगे तेरे को। 1900 का टाइगर भी इंडोनेशिया का बना हुआ है दादा बोलता है, तो यहाँ पे सस्ता मिलेगा। यहाँ पे सस्ता नहीं था भाई, स्नीकर्स भी मेरे को अपना एक स्नीकर लेने का है, सेम प्राइस है जो अपने यहाँ पे मिलता है वही प्राइस में यहाँ पे, तो मतलब नहीं है यहाँ से लेके जाने। भाई मैंने शॉपिंग की है यूनिक्लो में से, अच्छे टी शर्ट्स मिले 1100 में मेरे को है ना। एक ऐसे प्लेन टी शर्ट लिया मैंने, प्लेन एकदम मस्त है, बहुत प्यारा है, मतलब उसका फिट है ना, फिट एकदम प्यारा है। अभी मुझे ना अपने होटल पे जाने का है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन मेरे को है ना बाइक लेने का मन कर रहा है, मेरे को इधर बाइक का एक्सपीरियंस करने का है, देखते कैसा है। अपने इधर कैसा रैपिडो चलता है, वैसे इधर इनका है ना ग्रैब चलता है। ग्रैब में तुम टैक्सी वगैरह मंगा सकते हो, स्विगी वगैरह भी चलता है इसी में, सब इसी में रहता है, मतलब वही एक ऐप में। ये देखो ये लोग ये बाइक पे खड़े हैं ना ग्रीन कलर के, इसमें वो लोग ग्रैब वाले, शायद उनके जाके ना डायरेक्ट बैठने का है। ग्रैब बाइक ग्रैब बाइक इंग्लिश 4 पॉइंट होटल। मैंने उनको बस पूछा कि भाई जाते क्या, वो बोले जाते बैठो, उनको एक ऑर्डर है, फिर भी वो बोले भाई तू बैठ जा। अब बस मेरे को जमा नहीं करनी चाहिए यार, क्या पता चला, क्योंकि मैंने वो बुक नहीं किया है ना, मेरे को पता चला भाई जमा कर दिए, बोले भाई इतना इतना निकाल। अब देखते ये दो टी शर्ट लिए मैंने यूनिक्लो से 1000 रुपए के, बहुत क्लीन फिट है भाई उसका। अभी मैं एकदम थक चुका हूँ क्योंकि मैं कम सोया हूँ और कल रात आफ्टर पार्टी में नाचे मजबूत। मैंने पैकिंग वैकिंग कर लिया है, अभी बस निकलना है, 8:30 बजे का फ्लाइट है, जल्दी निकलेंगे हम लोग यहाँ से, वहां पे टाइम पास करेंगे। हम लोग निकल चुके हैं अपने एयरपोर्ट के लिए क्योंकि 8 बजे का फ्लाइट है, और लंच किए नहीं थे और मैंने नासी गोरंग भी खाया नहीं था, तो लकीली मालूम अंकिता बोली कि इधर से टेक अवे लेते, तो उनको पूछा 10 मिनट में क्या बनेगा, वो बोले नासी गोरंग बनेगा। बाय मतलब क्या नसीब है, तो इधर अपने को स्पाइसी नासी गोरंग अपने को बनाया है, अंकिता को नॉन स्पाइसी है। मैंने थोड़ा है ना अच्छे से देखा नहीं अंकिता का प्लेट, क्योंकि मेरे को है ना सरप्राइज होने का है। अरे वहाँ गिर रहा है, रुको अच्छे से निकालता हूँ। इसमें ये चिकन फ्राइड राइस, इसे बोलते हैं चिकन साटे, और ये लेग पीस है कोई, और ऊपर ऑमलेट दिया है, टेस्ट करके देखते कैसा है। नॉर्मल फ्राइड राइस जैसे ही लग रहा है अपने यहाँ पे जैसा मिलता है। मैं स्पाइसी बोला था लेकिन ये मीठा लग रहा है, साथे ट्राई करते ना भाई ये। मैं तो ठेले वाला बोलता है कि भाई तू इंडिया का है और तेरे को ये कैसे नहीं पता, मैं बोला भाई हमारे इधर नहीं मिलता ये सब, मतलब साथे नाम से। भाई मेरे को इनका है ना ऑयल का ही थोड़ा ये लगता है, ऐसा फिशी ऑयल रहता है ना, तो इनिशियल टेस्ट ऐसा हल्का सा कड़वा आता है, पर ठीक है, ठीक लग रहा है। कोई बात नहीं, फ्री वाला पापड़ फिश वाला मैं खा लूंगी। खाओ खाओ।